की बड़ी खबर, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का कल शाम को निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। पूर्व रक्षा मंत्री का दिल्ली और गोवा में कई दिनों से इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर जानकारी दी। इससे पहले मुख्यमंत्री के कार्यालय से जानकारी दी थी कि उनकी हालत बेहद नाजुक है। पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। पर्रिकर को फरवरी 2018 में कैंसर होने का पता चला था। आंतरिक रक्तस्राव की समस्या के बाद वे गोवा में मेडिकल के कॉलेज में करीब सप्ताह भर भर्ती रह चुके थे। वो अखंडता और निष्ठा के प्रतीक थे। गोवा के लोगों के लिए उनके द्वारा की गए कार्य देश नहीं भूलने का। वह ईमानदारी, अखंडता और सादगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने लगन के साथ गोवा और देश की सेवा की। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और समर्पण के प्रतीक रहे श्री पर्रिकर ने गोवा की और भारत की जो सेवा की है वह हमेशा याद रखी जाएंगी। कई राजनेताओं ने इस दुखद घड़ी में शोक जताया है। 63 वर्ष की उम्र में अपनी आखिरी सांस लेने वाले पर्रिकर ने पूरी तरह से अपने कामों के लिए समर्पित थे। 2 महीने पहले ही उन्होंने आखिरी हस्ताक्षर फाइलों में किए थे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।